Hello everyone, now we will do the circles exercise 12.5 question number 11. ABC and ADC are the two right angles. Right angles matlab hota hai 90 degree jo angle hota hai wo right angle triangles kehte hain. With common hypotenuse AC. Prove that CAD is equals to CBD. So let us see here, a figure is not given. So first of all, we will draw the figure here. So AC ka the common hypotenuse hai. If you'll see here like this. A, B, C. AC हाइपोटेनस है मतलब एंगल B जो है वो 90 डिग्री है और एंगल और एक जो आपका ट्रायंगल नेम है वो है ADC मतलब ये AC के साथ हमें लेना है यहाँ पे D तो एंगल D भी 90 है और एंगल A भी यहाँ पे 90 है दिस इज गिवन और आपको जो प्रूफ करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे CAD तो यहाँ पे आपको एंगल नेम बन रहा है CAD ये वाला एंगल CAD इज इक्वल्स टू CBD हमें यहाँ पे CBD एंगल डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो व्हाट वी विल डू वी विल जॉइन BD तो हम क्या कर रहे हैं फर्स्टली वी आर जॉइनिंग टू BD सो दैट वी कैन गेट द रिक्वायर्ड एंगल अगर अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे तो ये जो एंगल बनेगा वो होगा CBD तो CBD इक्वल है CAD के दिस वी हैव टू प्रूव हियर इन दिस क्वेश्चन Now let us see the solution here. As we are saying that angles in a semicircle will always be 90 degree. अगर हम सिर्फ इतना वाला अगर आपका यहाँ का फिगर देखेंगे जो आपको 90 degree angles हैं ये वाला भी 90 है और ये वाला भी 90 है A, B, C and D. तो एंगल 90 degree यहाँ पे भी है और 90 degree either side, एक ऊपर साइड में और एक नीचे साइड में है इट मीन्स दे पॉइंट विल लाई ऑन अ सर्कल अगर हम AC जो है उसको डायमीटर लेके हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो दीज फोर पॉइंट्स विल लाई ऑन अ सर्कल डेफिनेटली दे विल लाई ऑन अ सर्कल वाई बिकॉज द सम जो एंगल इन अ सेमी सर्कल होता है वो ऑलवेज होता है 90 डिग्री सो व्हाट वी आर टेकिंग हियर इन द सॉल्यूशन एज एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 विच इज गिवन वो दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं इट मीन्स वी कैन ड्रॉ अ सर्कल फ्रॉम द रेडी फ्रॉम द डैम बाई टेकिंग द डायमीटर एज ए सी ड्रॉइंग सर्कल बाई टेकिंग डायमीटर एज ए सी अगर आप डायमीटर ए सी लोगे क्योंकि एंगल्स इन अ सेमी सर्कल जो है वो 90 डिग्री है इट मीन्स ऑल फोर पॉइंट्स विल लाई ऑन अ सर्कल दिस इम्प्लाइज ए बी सी एंड डी लाइज ऑन ए सर्कल वाई दे आर लाइंग ऑन द सर्कल बिकॉज वी नो दैट एंगल्स इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री ऑलवेज जो भी आप एंगल्स लेते हो सेमी सर्कल में इट विल बी 90 डिग्री तो अगर सेमी सर्कल्स के एंगल्स 90 डिग्री हैं इट मीन्स इट इज़ फॉर्मिंग अ सर्कल देयर अभी वी विल कंसीडर द सर्कल तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे अगर हमने इसको सर्कल को ये वाला पॉइंट हमने एज अ कॉर्ड लिया है तो जो डी सी से एंगल्स होंगे वो ऑल एंगल्स विल बी इक्वल एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ये आपका एक सर्कल है तो एक सेगमेंट मतलब ये डी सी से आपके जो भी एंगल्स होंगे लाइक दिस एंड लाइक दिस जो भी आप जितने भी एंगल्स ड्रॉ कर रहे हो ऑल एंगल्स विल बी equal angles in the same segment will be equal so we can write therefore the angle DAC is equals to the angle DBC why because angles in the same segment will be always equal so this is your required result so what we have used here हमने सेमी सर्कल का प्रॉपर्टी यूज़ किया है मतलब अगर आपका एक सेमी सर्कल है सेमी सर्कल मतलब विच इज़ डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स तो ये वाले जो सारे जितने भी एंगल्स होंगे 90 होंगे सेमी सर्कल के एंगल्स होते हैं हमेशा 90 डिग्री और अगर आप दो सेगमेंट ले रहे हो मतलब इक्वल नहीं है एक मेजर सेगमेंट और एक माइनर सेगमेंट है तो मेजर सेगमेंट के जितने एंगल्स होंगे उनमें तीन रहने दो चार रहने दो कितने भी एंगल्स रहने दो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं दिस प्रॉपर्टी वी हैड यूज्ड इन दिस क्वेश्चन होप इट इज़ क्लियर फॉर यू So please like, share and subscribe to our channel. Thank you.